सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट जहां पर चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स आर नेवर एंडिंग, वो कभी खत्म नहीं होंगे. वैसे अपकमिंग वीडियोस में हम न्यूमेरिकल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे. फिलहाल कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं. हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं. तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हम कोई डिवाइस को ऑन करते हैं, कोई भी मोटर हो गया, इनफैक्ट आपका मोबाइल, अगर आप उसे चार्जिंग पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद वो गर्म होने लग जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है. फैन हो गया, फैन को अगर बहुत देर तक आप चालू करके रखेंगे, फैन को अगर आप टच करेंगे तो क्या आपको महसूस होगा कि वो गर्म हो गया है. कोई भी मोटर जो काफी समय से ऑपरेट हो रही हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाती है. तो उसी के बारे में हमें देखना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जब भी हम करंट पास करते हैं किसी डिवाइस से, किसी कंडक्टर के थ्रू, तो वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट होती है. लेट अस सी, से फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है. अब कंडक्टर है तो भैया इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, ठीक है, अगर ये डिवाइस, अगर ये कोई डिवाइस होता, रेजिस्टर होता, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो चाहिए हमें, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बारे में हमने प्रीवियस पार्ट्स में देख चुके हैं वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर वीडियोस को चेक कीजिए. अब अल्टीमेटली यहां पर क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुश होगा. ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट. अब अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, है ना. तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये किससे टकराएंगे भाई, जो एटम्स प्रेजेंट है और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, अब एक दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, एक दो एटम्स तो नहीं होंगे, बहुत सारे. तो वहां पे क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम्स जो है वो ज्यादा है, जिसके वजह से ये आपस में टकराने लगेंगे. अब जब टकराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा. हीट कैसे जनरेट हो रहा है, से फॉर एग्जांपल एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक है, और इसके ऊपर अपन ने एक बुलेट फायर करी, ठीक है, बुलेट फायर करी, तो ये क्या होगा, प्लैंक के अंदर घुस जाएगा भाई बुलेट, और क्या होगा, यहां से धुआं निकलेगा, ऐसे ही होगा ना. तो अगर मैं बुलेट की बात करूं तो इसके पास पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही ये प्लैंक के साथ टकराया, वो उसके अंदर इंसर्ट हो गया, थोड़े दूर तक ट्रैवल किया, और उसके बाद क्या हो गया, रुक गया, वहां पे स्मोक निकला. अब ये स्मोक क्यों निकला भाई, दिस काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी पे. सिमिलरली यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. अब ये काइनेटिक एनर्जी टकराने के वजह से, कोलिजन के वजह से क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो बेसिकली जब भी हम कंडक्टर्स में करंट पास करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स के वजह से यहां पर हीट जनरेट हो जाती है. अब हीट जनरेट हो जाती है तो कैसे जनरेट हो रही है वो भी हमने समझ लिया. किस टाइप के डिवाइस में ज्यादा हीट जनरेट होगी भाई, डेफिनेटली जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट जो होगी वो ज्यादा होगी. और क्योंकि हमें रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए,
अगर रेजिस्टेंस हमें ज्यादा रखना है तो इसका मतलब क्या हो गया, रो को भी ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी। लेंथ को भी ज्यादा रखना पड़ेगा, और किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करें तो एरिया हमें कम रखना पड़ेगा, ए की बात करें तो एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम ऐसे मटेरियल्स को यूज करते हैं, जैसे बेसिक कोई हीटिंग कॉइल्स जहां पर यूज होते हैं, पानी गर्म करने के लिए गीजर वहां पे भी कॉइल होता है, प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, कपड़ों को आयरन करने के लिए जो अपन आयरन यूज करते हैं, प्रेस यूज करते हैं, उसमें भी हीटिंग कॉइल होता है। तो यहां पर हम ऐसे डिवाइसेस को यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, और वो बेसिकली होते हैं अलॉयज, जैसे कॉन्स्टेनन, मैग्नीन, निक्रोम, ये सारे जो अलॉयज है आपके बुक में भी दिए हुए हैं, इनकी रेजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। लेंथ की बात करें तो लेंथ को अगर लंबा रखना है, ठीक है, अगर कंडक्टर का लेंथ हमें बढ़ाना है तो हम लेंथ को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी ऐसे प्रॉपर कॉइलिंग कर दी जाए, जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसका बना दिया जाए, ठीक है। आपने बेसिकली हीटर को देखा भी होगा, हीटर में जो कॉइल्स होते हैं वो एकदम स्प्रिंग टाइप के ही होते हैं, ठीक है। ये क्यों किया है, क्योंकि इससे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एरिया रिड्यूस करना है, एरिया रिड्यूस करना है मतलब अगर जगह कम मिलेगी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने की, तो अल्टीमेटली कोलिजन ज्यादा बढ़ जाएगा और हीट जो जनरेट होगी वो ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर एरिया को ज्यादा रखना है तो जितना पतला वायर अपन यूज कर सकते हैं उतना पतला वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एक थिन वायर की बात करें तो थोड़ा सा जूम करके देख लेते भाई, ये अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो डेफिनेटली इसका एरिया जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो जो वायर्स हम इन हीटिंग कॉइल्स में यूज करते हैं वो काफी पतले होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो काफी हाई होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हीट को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, हीट को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, तो हीट को मेजर करने के लिए भाई कैसे मेजर कर सकते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट की अगर हम बात करें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमने इससे पहले बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जैसे क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, रेजिस्टेंस की बात करें तो वी इज इक्वल टू आई आर, एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस इन सीरीज की हम बात करें तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड अप टू एन वैल्यूज। रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो ये हो जाता है वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हमने देखी है। अगर हीट की बात करें तो हीट बेसिकली क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी इज इंटरकन्वर्टेबल टू वर्क। तो वर्क से रिलेटेड हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहां पर, ये हो गया। तो हीट इज बेसिकली वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू। तो हीट इज नथिंग बट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल टू वर्क, सो वॉट वी कैन राइट W इज इक्वल टू वी क्यू। अब और किस ऑर्डर में हम देख सकते हैं हीट को,
से हीट इज इक्वल टू वी क्यू. सो अगर मैं Q की बात करूं तो Q इज इक्वल टू आई टी हो गया. Q इज इक्वल टू आई टी और मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, H इज इक्वल टू वी आई टी. यस और नो? ठीक है. अगर मैं यहां पे बात करूं I की वैल्यू, अगर मैं इस जगह पर V अपॉन R भी पुट कर सकता हूं, I की वैल्यू मैं V अपॉन R भी पुट कर सकता हूं, तो ये हो गया T बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से हमें क्या मिल गया, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर T अपॉन R. इसके अलावा V की जगह मैं आई आर पुट कर सकता हूं ओम्स लॉ से, तो H कैन ऑल्सो बी रिटन एज I स्क्वायर R स्क्वायर इंटू T अपॉन R. So R and R cancel. This will become I square RT, and this is it. And this is also known as Joule's law. अरे Joule's law क्या है भाई? Joule's law of heating effect की अगर हम बात करें तो directly यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो definition याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगी. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. एंड व्हाट एल्स, हीट is directly proportional to time the current is passing through the current, time the current is passing through conductor. Now अगर मैं बात करूं यहां पर Joule's law की, तो Joule's law से मुझे क्या समझ में आ जाता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगर ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. अगर ज्यादा समय के लिए डिवाइस को ऑपरेट किया जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वो जो हीट डेवलप होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी. हीट की अगर हम बात करें तो हीट इज बेसिकली एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट इसकी होती है जू. बट अगर हीट की पर्टिकुलर बात करें तो हीट का एक स्पेसिफिक यूनिट भी होती है. हीट की स्पेसिफिक यूनिट है कैलोरी. और अगर आपको हीट को कैलोरीज में मेंशन करना है तो कुछ भी नहीं करना है भाई, जितना जो आंसर आपका जूल में आया है ना, से फॉर एग्जांपल एक्स जूल आया है, सिंपली डिवाइडेड बाय 4.18. क्या कर दीजिए, 4.18. क्योंकि यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक कैलोरीज जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है. तो यहां पर अगर मुझे जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 4.18 से डिवाइड कर दूंगा. इसके बाद मूविंग अहेड टू इलेक्ट्रिक पावर, अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर, यहीं पे चीजें हमें समझ में आ जाएगी बेसिकली. Now, पावर की अगर बात करें, व्हाट इज पावर, क्लास 9 में आपने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क. एंड रेट जब भी हम फिजिक्स में यूज करते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है. तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क. एंड डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एनर्जी अपॉन टाइम पावर. सो यहां पर हीट एनर्जी की बात करें, ठीक है, पावर अब किस में
किस में मेजर कर सकते हैं, जो हीट जनरेट हो रही है उसके, मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर किसी डिवाइस की हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं हम यहां पर फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो कर रहे हैं तो वो कहां से फ्लो कर रहे हैं, उनको एनर्जी कहां से मिल रही है, जो हमारे घर में तो मेन पावर लाइन मीटर, जो ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू हमारे घर में मीटर पे आया है, मीटर से हम क्या करते हैं, जो भी डिवाइस ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो कराना है, वहां पे हम क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो एनर्जी यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, यही हीट, जो हीट जनरेट करेगी। अब पावर की हम बात करें तो वो क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन टी, और हमने अभी हीट के क्या क्या फॉर्मूले देख लिए, वी आई टी, वी स्क्वायर टी बाई आर, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो यहां पर मैं अगर पावर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वी आई टी अपॉन टी, दैट इज वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। दूसरा क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर टी बाई आर है भाई, वी स्क्वायर टी बाई आर डिवाइडेड बाई, टाइम कर दो इसको, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर टी हो जाएगा, टी और टी कैंसल, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये एक और रिलेशन मिल गया पावर का। और तीसरा रिलेशन क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, सो व्हाट वी विल गेट, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहां पर हमारा जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश हो गया। पावर, पावर के लिए अगर हमको बात करनी हो तो पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, सॉरी आई स्क्वायर आर। तो यहां पर हमें पावर की वैल्यूज मिल गई। तो अगर इनके यूनिट की बात करें तो यूनिट्स क्या है भाई, पावर की यूनिट क्या होती है, क्लास 9 में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, पावर की यूनिट होती है वैट, ठीक है। और अगर हम कमर्शियल यूनिट्स की बात करें तो कमर्शियल यूनिट्स क्या होती है, किलोवाट, ठीक है, और क्या होती है, हॉर्स पावर, एक वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट्स, ठीक है। किलोवाट की अगर हम बात करें तो वन किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। नाउ तो यहां पर हमने पावर के बारे में डिस्कस कर लिया, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसके यूनिट्स की बात करें तो वो वैट हो गया, कमर्शियल यूनिट्स की बात करें तो किलोवाट, वन हॉर्स पावर या हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। इसके अलावा वन हॉर्स पावर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 0.746 किलो वैट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब अगर बेसिक कंसेप्ट देखे तो यहां पर जो हमारे यहां बिल आता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे, अगर डिवाइस को हमें ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है इनको ऑपरेट करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप तो भाई मूव नहीं कर सकते, तो हमें क्या है, बेसिकली एनर्जी चाहिए उनको रोटेट करने के लिए। तो इसी एनर्जी का हमको बिल मिलता है, ठीक है, जो यूनिट्स में आता है, जो बिल देखते हैं आप, 20 यूनिट जला है या 200 यूनिट जला है या 400 यूनिट जला है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं। तो उसी एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो होती है वो होती है किलो वैट आर। नाउ किलो वैट आर कैसे भाई, नाउ अगर मैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम बोलता हूं तो वर्क इज इक्वल टू पीटी हो जाएगा, पी इंटू टी, एंड वर्क इज इंटर कन्वर्टेबल विथ एनर्जी, तो
यहां पर मुझे क्या मिल गया, P इंटू टी, P की बात करें पावर, दैट इज किलोवाट, और टाइम क्या हो गया, आवर। अब बेसिकली जो बिल आता है वो हमेशा इसी के अकॉर्डिंग आता है, इसी को हम एक यूनिट बोलते हैं ना, बेसिक जो जनरल लैंग्वेज है, कितने यूनिट का बिल आया है, कितने यूनिट जले, तो वो क्या है, किलोवाट आवर की बात कर रहा है। अब किलोवाट आवर जूल्स में कितना होता है वो भी चेक कर लेते हैं। किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो किलोवाट मतलब हो गया 1000 वॉट। भाई एनर्जी की यूनिट किसमें होनी चाहिए, जूल्स में होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें किलोवाट आवर की तो ये थोड़ी जूल्स से बड़ी एनर्जी यूनिट है, और इसीलिए इसे हम यूज करते हैं। अगर 1 किलोवाट आवर की बात करें तो ये हो जाएगा 1000 वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर मतलब कितना हो गया, 3600 सेकेंड, और ये हो जाएगा 3600000, दैट इज 3.6 × 10⁶ जूल्स। अब आप ही सोचिए, इतने जूल्स के अकॉर्डिंग बिल देना, मतलब ये तो 1 किलोवाट आवर की बात हो रही है, तो 3.6 × 10⁶, अगर आपके यहां से फॉर एग्जांपल 173, तो इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाती है। इसलिए अल्टीमेटली हम क्या यूज करते हैं यहां पर, किलोवाट आवर की कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं। जो यूनिट जो हम बेसिकली अपने डेली लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं, बिल जो आता है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग आता है। तो ये तो बात हो गई यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट दिया हुआ है आपके बुक में, बेसिकली यहां पर दो डिवाइस के बारे में बात किया है और एक फ्यूज के बारे में बात किया है। फर्स्ट जो डिवाइस दिया हुआ है वो है आयरन प्रेस, जिसे अपन कपड़े प्रेस करते हैं। सेकेंड बल्ब है, एंड थर्ड इज फ्यूज। नाउ अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में क्या होता है, सिंपली कुछ इस तरीके का शेप होता है उसका, और यहां पर हीटिंग कॉइल होते हैं, ठीक है। बेस जो होता है वो सिंपली मेटल का होता है, और यहां पर हीटिंग कॉइल रखा जाता है। जब करंट इसमें आएगा, करंट पास होगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, जो मेटल प्लेट है नीचे बेस पे वो गर्म हो जाएगी, और उससे अपन कपड़े प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर एक्सीडेंटली हम इस मेटल पार्ट को टच कर देते हैं, है ना, गलती से अगर वो पार्ट टच हो गया, मेटल पार्ट टच हो गया, तो हमें क्या, झटका भी लगेगा और झटका भी लगेगा। झटका क्यों भाई, हीट हो गया है, गर्म हो गया है, दूसरा इसमें तो करंट है तो पूरे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो झटका और झटका दोनों लग सकता है। तो अल्टीमेटली यहां पर इस कॉइल को मेटल बेस से सेपरेट करने के लिए कुछ मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ऐसा मटेरियल जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। ऐसे जनरली अगर हम मटेरियल्स की बात करें, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल, बट एक एक्सेप्शन है जो है माइका। तो यहां पर इस कॉइल और मेटल बेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या, किसकी कोटिंग यूज करते हैं, माइका की कोटिंग यूज करते हैं। यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा माइका, और माइका के ऊपर ये कॉइलिंग रहती है जो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे हमें करंट नहीं लगेगा। सेकेंड बात करते हैं बल्ब की, तो बल्ब बेसिकली इस तरीके का वो रहता है बल्ब,
ठीक ठाक शेप है भाई, और यहां पर फिलामेंट रहता है जो लेंथ बढ़ाने के लिए। अब यहां पर क्या होता है, जब करंट पास किया जाएगा, बिना करंट पास किए तो डिवाइस ऑपरेट होगा नहीं। अब जैसे ही करंट पास किया जाता है, करंट इस फिलामेंट के थ्रू पास होता है और इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर क्या होता है भाई, बढ़ने लग जाता है। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लाइट एमिट करने लग जाता है। बेसिकली ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका, या ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई रेज होगा तभी ये लाइट एमिट करने लगेगा। अगर आप सिंपल आयरन रॉड को गैस के ऊपर रख देते हैं, गंजी को या बर्तन को गैस के ऊपर रखते हैं तो वो ग्लो करने नहीं लगता, उसमें से लाइट नहीं निकलने लगती। लेकिन अगर उसको बहुत देर तक किसी टॉर्च के साथ गर्म किया जाए तो वो ग्लो करने लग जाएगा। तो लाइट कब एमिट होगी, जब टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो यहां पर जो फिलामेंट है वो पर्टिकुलर किसी मटेरियल का बना होना चाहिए, और यहां पर ये फिलामेंट बने होते हैं टंगस्टन मटेरियल, टंगस्टन, जिसको हम डिनोट करते हैं W से, वॉल्फ्रम। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें वो होता है 3380 डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा हाई है। इतने डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचने के बाद क्या करेगा भाई, लाइट एमिट करने लगेगा। अगर ये दूसरे मटेरियल का बना होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो भाई करंट सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब ये जो ग्लास हम कवरिंग यूज कर रहे हैं इसके अंदर इनर्ट गैसेस फिल की जाती है, इनएक्टिव नाइट्रोजन हो सकता है या फिर आर्गन यूज करते हैं हम। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। किसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ये जो फिलामेंट है ना, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो खराब हो गया, ये टूट जाएगा और ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये बात हुई अपनी आयरन और बल्ब की। एक लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है आपका फ्यूज। फ्यूज की अगर हम बात करें तो जनरली घर में करंट आता है अपने यहां मीटर के थ्रू। अब मीटर में करंट कहां से आ रहे, ट्रांसमिशन लाइन से, ये मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन। अब यहां ट्रांसमिशन लाइन से ये गया मीटर में और मीटर के बाद ये आता है डिवाइस के लिए, लेकिन डिवाइस में ये डायरेक्टली अपन इसको नहीं कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट होता है एक फ्यूज के साथ। ये आता है इधर इस तरीके से और फिर ये जाता है डिवाइस के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब यहां पर ये काम क्या कर रहा है ना, अगर मैं बेसिक बात करूं, आपने देखा भी होगा चीनी मिट्टी के फ्यूज होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके का होता है वो। और ये सॉकेट हम यूज करते हैं इसके ऊपर। यहां पर अगर मैं देखूं तो सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है तो डिवाइस अभी ऑपरेट नहीं करेगा। हम यहां पर यूज करते हैं फ्यूज। क्या होता है, जब कभी जैसे जनरली ये बरसात के दिनों में होता है, राउटर खराब हो जाते हैं या टीवी डैमेज हो जाता है लाइटनिंग के वजह से, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है या करंट की ज्यादा वैल्यू, हाई वोल्टेज तो हाई करंट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ वायर यूज करते हैं जैसे लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसी चीजों का जिनका बेसिकली बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, कॉपर भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, लेड जनरली यूज किया जाता है। और इसे उठाकर अपन यहां इसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो ये क्या हो गया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब सर्किट को कंप्लीट कर दिया, यहां से करंट पास होने लगेगा, डिवाइस ऑपरेट करने लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज्यादा हाई वोल्टेज, ठीक है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है, ऐसा नहीं, आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा अचानक से पंखे की स्पीड बढ़ गई, फिर स्लो हो गई, नॉर्मल स्पीड हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें। तो क्या होता है, अगर वोल्टेज ज्यादा आएगा तो जो इंटरनल सर्किट्स है वो उसको डैमेज कर सकता है, मतलब सर्किट को जला सकता है, जो आईसीज, ट्रांजिस्टर्स या रेजिस्टर्स इसके अंदर लगे होते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, इन सारी चीजों के अंदर वो जल सकते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, भाई जल जाएगा तो वो तो डिवाइस ही खराब हो गया, उसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। अब इस फ्यूज को मैंने यहां इंसर्ट किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया और डिवाइस काम करने लगा। कुछ ज्यादा लोड या अमाउंट ऑफ करंट आया तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और ये टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हमारा डिवाइस जो है, जो उसके इंटरनल सर्किट्स है, वो जलने से बच जाएंगे, जिससे हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिलहाल अभी अगर एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी ये फ्यूज जनरली यूज नहीं करते, मीटर के पास लगा होता है, अभी यूज करते हैं एमसीबी, मिनिएचर वो बटन नॉब्स होते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, जैसे ही फ्लक्चुएट होता है ये एमसीबी क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, वो हमें इस क्लास 10 में नहीं पढ़ना है उसके बारे में कुछ ज्यादा। तो ये हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट, होप सो कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।